मजदूर एकता जिंदाबाद। 12 सूत्री मांग पत्र पूरा करो, 12 की 12 मांगे पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद। हम सब धन्यवाद। मंच पर पदासीन केंद्रीय ट्रेड यूनियंस और फेडरेशंस के नेतागण और देश के कोने कोने से आए कर्मचारी मजदूर साथियों, ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड एसोसिएट सर्विसेज एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस विशाल धरने, इस जबरदस्त जन सैलाब को जो यहां एकत्रित हुआ है, मैं अपने संगठन की तरफ से बधाई देता हूं, क्रांतिकारी अभिनंदन देता हूं। साथियों, 1991 से ही देश में उस समय की सरकार दो तरह की नीतियां लेकर आई थी, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज, नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, और हमें बताया गया कि देश की आम जनता को इसका फायदा 10 साल बाद मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, 10 साल से पहले ही वो फायदा मिलना शुरू हो गया। सैकड़ों सैकड़ों पब्लिक सेक्टर के उद्योग, सरकारी विभाग बंद कर दिए गए, बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की गई, बहुत बड़े पैमाने पर नियमित पदों को भी ठेके के कर्मचारियों से भरा गया, और यह प्रक्रिया और भी तेजी से जारी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे खतरनाक पे कमीशन आया दोस्तों, 500 वेतन आयोग। 500 वेतन आयोग सरकारी विभाग और सरकारी कर्मचारियों का दफन करने का आदेश था, बर्बाद करने का आदेश था। हमारे बहुत साथी, बहुत सारे कर्मचारियों के नेताओं ने इसको ऐतिहासिक करार दिया कि बहुत ज्यादा पैसे बढ़े हैं, लेकिन उन सिफारिशों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि एक झटके में 3.5 लाख पोस्ट खत्म कर दी गई। हर साल 3% के हिसाब से 10 साल में 30% पदों की कटौती की योजना बनाई गई। कितने सारे विभागों को बंद करने के आदेश जारी किए गए, कितने सारे सरकारी विभागों को निजीकरण, ठेकेदारी के हाथ में देने की बात की गई। और क्या यहीं तक रुक गया पे कमीशन? इस पे कमीशन की सिफारिशों ने कैजुअल लीव को 12 से 8 किया। सरकारी कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो जो जीपीएफ में जमा होता है तनख्वाह का, उसका इंटरेस्ट, उसका ब्याज 12 से घटाकर 8 कर दिया। और आते आते 2004 से के बाद जो सरकारी कर्मचारी सेवा में आए उनकी पेंशन खत्म कर दी। यह अटैक कमाल देखिए, सरकारें केंद्र में जितनी भी आई हो, राज्यों में जितनी भी आई हो, उन्होंने सरकार की जनता के जो विरोध में यह नीतियां बनाई थी, कर्मचारियों के विरोध में जो नीतियां बनाई थी उन्हीं को लागू किया। कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से कि झंडा तिरंगा है, कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से कि झंडा भगवा है, कोई फर्क पड़ा नहीं। कर्मचारियों और मजदूरों को बर्बाद करने की नीति और भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। निजी क्षेत्र में ही नहीं, फैक्ट्रियों में ही नहीं, सरकारी विभागों में आज नियमित कर्मचारियों से ज्यादा तादाद ठेके के कर्मचारियों की हो गई, कच्चा कर्मचारियों की हो गई। कर्मचारी हड़ताल करते हैं, नौकरी से बाहर उनको कर दिया जाता है। साथियों, मैं समझता हूं आज के धरना इस बात की जरूरत का एक संदेश है कि सभी कर्मचारी संगठनों को, ट्रेड यूनियनों को, देश की आम जनता को मिलकर एक संयुक्त आंदोलन के रास्ते आगे बढ़ना होगा। एक जबरदस्त लड़ाई छेड़नी होगी, तभी उसका जो है सरकार को, जो भी केंद्र में किसी भी रंग के झंडे की सरकार हो, उसके घुटने टिकाए जा सकते हैं और अपनी मांग मनवाई जा सकती है। ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन इस काम को, साथियों, 5वें वेतन आयोग के लागू होने के समय से ही इस बात को, इन मांगों को उठाता रहा है, और सरकारी कर्मचारियों के क्षेत्र में और बाहर भी प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी इस फोल्ड में आए, सरकार के इन षड्यंत्रों को समझें, इन चालों को समझें। आज जो हर सेक्टर में जबरदस्त अटैक इन नीतियों का बढ़ रहा है, आर्थिक उदारीकरण की नीतियों का, भूमंडलीकरण की नीतियों का, निजीकरण की नीतियों का, ठेकेदारीकरण की नीतियों का, यह बर्बाद कर देने वाली जो साजिश
सरकारें चला रही हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब देना होगा साथियों। इसके बिना कोई संभव नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, दिल्ली में जाम काम करते हैं, देश के पैमाने पर जाम काम करते हैं, हरियाणा में जाम काम करते हैं, हमारा एक बहुत जबरदस्त सहयोगी संगठन संयुक्त जो कर्मचारी मंच इस काम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। हेल्थ सेक्टर में हम लोग यह लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी दो दिन पहले कैट्स एम्बुलेंस के महत्वपूर्ण सेवा की हड़ताल खत्म हुई है, 45 लोगों को नौकरी से निकाल दिया कंपनी की गुंडागर्दी के चलते। वहां आप सरकार है दिल्ली में जो कहते हम अलग है कांग्रेस से बीजेपी से, कोई अंतर नहीं है दोस्तों। एलजी ने, आप गवर्नमेंट ने एक मिनट में फैसला कर लिया, कर्मचारी हड़ताल के प्रेस में लगाया, 6 लीडरों को जेल में बंद कर दिया और 45 लोगों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोबारा से इस बात को दोहराते हुए, क्या समय की जो जरूरत है वो संयुक्त आंदोलन, कर्मचारियों का संयुक्त आंदोलन, देश की जनता को साथ में रहते हुए संयुक्त आंदोलन, और इस काम को जितना तेजी से, जितना ताकत से, जितना समझ के आगे बढ़ाएंगे कामयाबी उतना जल्दी हमारे कदम चूमेगी। मैं ज्यादा आपके बीच में और नहीं रहना चाहता साथियों, दो नारे देकर अपनी बात खत्म करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आर्थिक उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण की नीति अमृताबाद, भूमंडलीकरण, निजीकरण, आर्थिक उदारीकरण की नीति अमृताबाद, नियमित पदों पर ठेके की भर्ती बंद करो, नियमित पदों पर ठेके की भर्ती बंद करो। शुक्रिया साथियों।